नमस्कार, सुजाता की रसोई से में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टी केक, जो आपकी शाम की चाय का मज़ा दुगना कर देगा। और इसे बनाना भी फ्रेंड्स बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, इसको अच्छी तरह से छान लिया है। 1 कप मैंने दही ली है, इसको गाढ़ी दही लेनी है। 1 कप चीनी ली है, इसको मैंने पीस लिया है मिक्सी में। 1/2 कप मैंने मक्खन लिया है, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हो। 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है और ये वनीला एसेंस लिया है और ये 1/4 चम्मच मैंने नमक लिया है। 1/2 कप टूटी फ्रूटी ली है ये। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में दही को डाल लेंगे। दही फ्रेंड्स एकदम गाढ़ी ही लेनी है और इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे और इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों डाल देंगे। अब इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये एकदम से स्मूथ हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम एक तरफ रख देंगे और सबसे पहले एक बर्तन में हम टूटी फूटी निकाल लेंगे और 2 चम्मच के करीब इसमें हम सूखा मैदा डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से कोट करेंगे, इसे कोट करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये बैटर में जाके नीचे बैठ जाता है तले में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से कोट कर लिया है हमने। अब ये दही वाला मिक्सचर ले लिया है, इसमें हमने वनीला एसेंस डाल देंगे 1 टीस्पून और 1/2 कप हम इसमें बटर भी डाल देंगे, ये मेल्ट किया हुआ लेना है। और ये 1/4 चम्मच है नमक, इसको भी डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस मिक्स कर लेना है इसको। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम ये मैदे का बैटर डाल देंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से सारा नहीं डालना है। और इस तरह से इसको चलाते जाएंगे। अब ये हमने लास्ट में सारा डाल दिया है, 2 बार में करके डाला है हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हो जाएगा ये एकदम सॉफ्ट। इस तरह से चलाना है इसको। और ये हम टूटी फ्रूटी डाल देंगे सारी। अब इसको भी बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी तरह से मिल चुका है। ये हमने केक जमाने के लिए बर्तन लिया है, ये फ्रेंड्स ये सिलिकॉन का है, इसे हमने पहले ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर भी लगा दिया है इसमें। आप एल्युमिनियम का भी ले सकते हैं, मेरे पास ये था तो मैंने ये ले लिया है। अभी बैटर हम सारा डाल देंगे इसमें इस तरह से। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब इसे एक स्पैचुला से हम अच्छी तरह से चारों तरफ अच्छे से कर देंगे और इसको टैप कर देंगे अच्छी तरह 2-3 बार, ताकि कोई बबल्स ना रहे इसमें। फ्रेंड्स इसे हमने 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लिया है और 180 डिग्री सेल्सियस पर ही हम इसे 55 मिनट के लिए पकाया है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, बन करके तैयार हो चुका है, बहुत बढ़िया बना है। आप देख सकते हैं इसमें कितना प्यारा कलर आया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलिकॉन का है तो इसमें बिल्कुल चिपका नहीं है, ये एकदम से अलग ही रखा हुआ है इसमें। और निकालने में भी कोई परेशानी नहीं होती, एकदम आसानी से निकल जाता है ये। इसे हम इस पर निकाल लेंगे स्टैंड पे, बटर पेपर हटा देंगे। अभी फ्रेंड्स ये बहुत गर्म है, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इसको काटना है। देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही बढ़िया बना है ये। ये ठंडा हो चुका है, हम इसको काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से कट रहा है ये, बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये, एकदम स्पंजी। टी केक बनकर तैयार है, बहुत ही बढ़िया बना है, एकदम स्पंजी बना है। आप इसे चाय के साथ सर्व कीजिए या फ्रेंड्स कॉफ़ी के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा और बच्चे भी इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।